हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 2 पार्ट बी हिस्ट्री क्लास 6। ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन पेज नंबर 73 ऑफ योर सोशल स्टडीज बुक। द सोर्सेज ऑफ स्टडिंग द पास्ट। सोर्सेज ऑफ स्टडिंग द पास्ट का मीनिंग क्या हुआ? भूतकाल को पढ़ना। किससे पढ़ना? जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं भूतकाल की, उसके उसका इस्तेमाल करके उसके बारे में पढ़ना। सोर्सेज ऑफ स्टडिंग द पास्ट। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड्स पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री टेल अस अबाउट वेरियस डेवलपमेंट्स विच हैव टेकन प्लेस इन द ह्यूमन सोसाइटी इन डिफरेंट पीरियड्स। To understand our present, it is very important to understand our past. The understanding of history depends on two things: careful and critical use of source material, rational analysis of the past by the historians. हिस्ट्री का मेन एम क्या होता है? जो हिस्ट्री का मेन एम होता है, जो पास्ट, जो पास्ट में जो चीज़ें थीं उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। और उसको हम लोग स्टडी कैसे करते हैं? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, केयरफुल एंड क्रिटिकल यूज़ ऑफ सोर्स मटेरियल। जो कि हम लोग को पिछली शताब्दियों का जो सोर्सेज मिले हैं, जो उसका सोर्स का ठीक से इस्तेमाल करके, और उसका इस्तेमाल करने के बाद जो उससे हमको जो मालूम चले उसका रेशनल यूज़ करना है। ये नहीं कि अपने हिसाब से यूज़ कर लिया। रेशनल का मीनिंग क्या होता है? रेशनल का मीनिंग होता है सही का, सही, एकदम सही। ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग जो है जैसा है वैसा ही, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है। द सोर्सेज ऑफ नोइंग द पास्ट आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं? वो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं सरकारी कर्मचारी जो कि किसी भी जगह की खुदाई करते हैं और वहाँ के बारे में जानने के लिए कि वहाँ से क्या हिस्ट्री जुड़ी हुई है। आर्कोलॉजिस्ट दे डिग इन टू द ग्राउंड टू फाइंड द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। ही केयरफुली स्टडी देम एंड ड्रॉ इन कंक्लूजन्स अबाउट द पास्ट। अगर कोई लैंड है जहाँ पे पता करना है कि इस लैंड का हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है, तो उस लैंड का क्या करेंगे आर्कोलॉजिस्ट? खुदाई करेंगे। और खुदाई के बाद उस लैंड से कोई नीचे मूर्ति मिल सकती है, या कोई नीचे स्टोन मिल सकता है, या कोई नीचे कॉइन मिल सकता है, और उसकी मदद से वो पता लगाएंगे कि किस टाइम के राजा की ने बनाई हुई थी। आर्कोलॉजिकल साइट्स। अब आर्कोलॉजिकल साइट्स क्या होती हैं? साइट्स फ्रॉम वेयर हिस्टोरिकल रिमेन्स आर ऑब्टेंड आर कॉल्ड आर्कोलॉजिकल साइट्स। जहाँ से भी कोई ऐसा रिमेन्स यानी कि बचा हुआ मटेरियल, कोई ऐसी बिल्डिंग का, कोई ऐसे महल का, कोई भी और चीज़ का बचा हुआ मटेरियल मिले जिससे ये मालूम चल जाए कि वो किस शताब्दी का है और किस राजा के द्वारा बनाया गया है, तो उसे क्या कहेंगे? आर्कोलॉजिकल साइट्स। Buildings and monuments also come under the archaeological sites. Archaeological sites include old buildings and monuments. जो भी पुरानी बिल्डिंगें हैं और महल हैं और राजाओं के, वो सब क्या होते हैं? Archaeological sites में आते हैं। Monument. Monument क्या होता है? Ruins of an ancient monument. The ruins of the ancient monuments provide important information. इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ये जो इन लिखा हुआ ही गलत है, इसमें यहाँ पे इन याला नहीं आएगा। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अचीव्ड, ड्यूरिंग द पीरियड। द रूइंस ऑफ नालंदा द फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी टेल अस हाउ बिग इट मस्ट हैव इन दैट एज। The murals on the Ajanta caves tell us so vividly about the dresses, hairstyles, jewelry and social life of the people of that era. Murals क्या होता है? Murals होता है पेंटिंग करना। कहाँ पेंटिंग करना? पेपर पे नहीं, वॉल पे। जो पहले लोग क्या करते थे, पेपर नहीं था तो वॉल पे बड़ी बड़ी पेंटिंग करते थे। और केव्स का मतलब क्या होता है? गुफा। अजंता केव्स में जो दीवार थी उसके ऊपर लोग पेंटिंग करते थे, और उस पेंटिंग से मालूम चला कि वो पेंटिंग कितनी पुरानी है, और उस पेंटिंग जब की गई तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ उस टाइम तब की गई। तो इसी तरह से आपके ये पेज नंबर 73 पे नालंदा यूनिवर्सिटी का जो अब बचा हुआ पार्ट है उसकी फ़ोटो दी गई है। तो इस फोटो के जो पत्थर इसमें लगे होंगे, जो इसमें पत्थर लगे होंगे और जो इसमें
डिज़ाइन इस्तेमाल कर यूज डिज़ाइन इस्तेमाल करी गई होगी, तो उससे पता लगाया जाएगा कि ये कितना टेक्नोलॉजी उस टाइम आ चुका था और ये किस सदी की है, किस हर सदी का जो पत्थर का इस्तेमाल था वो डिफरेंट था और उसके जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था, तो उससे मालूम चल जाता है कि कौन से सदी में चीज़ बनी है और वो चीज़ कितनी पुरानी है। नाउ वी विल मूव टू पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज पेज नंबर 74 पॉटरी। An archaeologist discovered pottery while excavating an ancient site. After studying pottery carefully, he will tell us about the past, the period in which it was made, and the people who made it. Pottery क्या होता था, जो पहले लोग बर्तन बनाते थे वो मिट्टी से बनाते थे, गीली मिट्टी से बर्तन बनाते थे, उसके बाद उसको आग पे सेकते थे जिससे कि वो टाइट हो जाते थे और फिर उसी में वो अपने यूज़ के लिए, अपने डेली यूज़ के लिए उसको रखते थे। तो इससे भी पता लगाते थे जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट्स होते हैं, वो पता लगाते हैं कि बर्तन कितने सदी पहले बनाया गया था, कितने साल पहले बनाया गया था, कि बर्तन 5000 साल पहले बनाया गया कि 2000 साल पहले बनाया गया। अब तो हम लोग स्टील के बर्तनों में का इस्तेमाल करते हैं, कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस टाइम स्टील के पत्थर स्टील के नहीं होते थे और कांच के नहीं होते थे, काहे के होते थे, मिट्टी के बने हुए होते थे। ओके स्टूडेंट्स, मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? A handwritten book is called manuscript. अच्छा, ये इसमें ऊपर मॉन्यूमेंट्स नहीं आएगा, मैनुस्क्रिप्ट आएगा। ये बुक में आपकी गलती लिखी हुई है, तो हेडिंग जो है ये मॉन्यूमेंट्स की जगह मैनुस्क्रिप्ट रहेगी। A handwritten book is called manuscript. Before the discovery of printing, books were handwritten. The early manuscripts were written on palm leaves and on a bark of birch trees. अब तो क्या होता है, हम लोग प्रिंटेड किताबों से पढ़ते हैं, और लेकिन पहले क्या होता था कि हाथ से ही लिखा जाता था। बहुत बहुत साल बाद क्या हुआ, कागज़ का तब आविष्कार हुआ, तो कागज़ पे लिखते थे, लेकिन उससे पहले किस पे लिखते थे, उससे पहले हम लोग पत्तियों पे लिखते थे, जो ताड़ जो पत्तियाँ होती थी पेड़ों की उस पे लिखते थे, जिसकी पत्तियाँ थोड़ी हार्ड होती थी, जैसे ताड़ की पत्तियाँ जो होती थी उस पे हम लोग लिखते थे। तो पाल्म लीव्स कौन सी हो गई, ताड़ की पत्ती हो गई। द अर्ली मैनुस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन पाल्म लीव्स एंड ऑन बार्क ऑफ ब्रिज। बार्क ऑफ ब्रिज क्या हो गया, पेड़ की जो छाल होती है, जैसे हम की स्किन होती है, खाल होती है, वैसे पेड़ की होती है छाल होती है, तो उस पर भी हम लिखते थे, क्योंकि वो हार्ड होती थी ना, उस पर कुछ प्रिंट उस पर कुछ लिखा जा सकता था और वो लिखे जाने के काम आ सकता था। द एंशियंट मैनुस्क्रिप्ट्स गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, लाइफ ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, पोएम्स, प्ले, एपिक्स एटसेट्रा। तो आजकल हम लोग देख सकते हैं, जैसे जिस तरह से रिलीजियस बुक्स अवेलेबल होती हैं, जिस तरह से और जिस तरह से मेडिसिन कोई होती है तो उसका लिखा रहता है कागज़ पे, प्रिंटेड होता है, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा होता है, पोएम लिखी होती हैं कागज़ पे, तो वैसे ही उस टाइम लोग कागज़ तो इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस टाइम लोग पत्तियों का इस्तेमाल करते थे, जो हार्ड पत्तियाँ होती थी उसी पे वो अपना कुछ रिलीजियस लिखा करते थे। किंग ने कुछ बना दिया किसी अपने राज्य में, तो उसके बारे में लिखता था, ठीक है, कुछ नया कर दिया, कोई नई मेडिसिन का खोज हो गया, कोई नया आविष्कार हो गया, कोई नई पोएम लिखी, और प्लेस यानी कि ड्रामा और एपिक्स, इस सब के बारे में पत्तियों पे ही लिखा जाता था, और फिर हिस्टोरियंस क्या करते थे, उसको समझकर पता लगाते थे कि ये कितने साल पुराना हो गया है। आपकी बुक में नीचे दिया भी गया है फ़ोटो, ये देखिए, जैसे ये फ़ोटो दी गई है, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑन अ पाल्म लीफ की फ़ोटो दी गई है, नीचे आप देख सकते हैं, ये जो फ़ोटो है ये उस टाइम कैसे लोग पत्ते के ऊपर लिखते थे। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू नेक्स्ट हेडिंग, डेट इज कॉइंस। A coins gives information about the king of that period, because coin usually contained the image of the king. Coin also tell us about the level of the skill among artisan during that period. Coins were first developed in ancient Greece during 600 BC. कॉइन्स भी होते थे, वो भी काम आते थे हिस्ट्री पता करने के, कितने साल पुराना ये कॉइन है, क्योंकि अक्सर कॉइन में क्या होता था, राजा अपनी फ़ोटो गुदवा देता था और इससे पता लगाया जाता था कि वो राजा कितने सदी पहले राज करता था, उसकी किंगडम कितनी बड़ी थी, क्योंकि जहाँ जहाँ तक वो सिक्के पाए जाएंगे वहाँ वहाँ तक वो सिक्के मिलेंगे, वहाँ वहाँ तक उसकी किंगडम फैली हुई है, इसके बारे में जानकारी मिलती थी। और पहली बार कब इस्तेमाल हुआ कॉइन का, सिक्के का पहली बार कब इस्तेमाल हुआ ग्रीस में, कब हुआ, 600 BC, 600 साल BC।
ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स यानी कि जो हम लोग जो आजकल की स्त्रियां पहनती हैं श्रृंगार की चीज़ें, उन्हें और क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑर्नामेंट्स। इट गिव्स क्लूज अबाउट द पीपल हु वोर इट, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल वोर इट इन द पास्ट। इट मे बी मेड ऑफ स्टोन, क्ले, बोन्स और मेटल्स, दे कॉमन पीपल यूज देम। ऑर्नामेंट्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्रेशियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, विच वर यूज बाय द रिच पीपल। ऑर्नामेंट जो कि ज्वेलरी होती थी, जो कि श्रृंगार करने की वस्तुएं होती थी, उसको भी लोग पहनते थे, हार, नेकलेस, ये सब, चूड़ियाँ उड़ियाँ। तो चूड़ियाँ उड़ियाँ पहले ज़माने में सब लोग पहनते थे, औरत भी पहनते थे और जेंट्स भी पहनते थे। लेकिन क्या था, उससे पता लगाया जाता था कौन गरीब है कौन अमीर है। जो गरीब होता था वो किसकी पहनता था, क्ले की पहनता था, मिट्टी की, स्टोन की, पत्थर की माला पहन ली, मिट्टी की बनाई माला पहन ली, बोन्स की पहन ली, मेटल्स की पहन ली। और जो बड़ा और जो अमीर आदमी होता था वो किसकी पहनता था, गोल्ड की, सोने की और सिल्वर की। हम लोग का नेक्स्ट क्या है हेडिंग, केव पेंटिंग्स। केव क्या होता है, गुफा, और पेंटिंग्स क्या होता है, चित्र। तो जो केव पेंटिंग आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल इन द पास्ट। द जनता केव्स टेल अस सो मच अबाउट इंडिया एज इट वॉज ओवर 1000 ईयर्स अगो। जैसे आजकल हम लोग घरों में रहते हैं, तो वैसे ही लोग पहले किस पे रहते थे, गुफाओं में रहते थे। गुफाओं के बाद वो निकले तो छप्पर के मकान बनाए, फिर कच्चे मकान बनाए, और फिर धीरे धीरे ऐसे पक्के मकान होने लगे। तो जो केव पेंटिंग्स हैं वो हमें बताती हैं हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में, जो कि 1000 साल से भी पुराने हिस्ट्री है। मॉन्यूमेंट्स तो ये आप ब्रीड कर चुके हैं पहले भी। अब लिमिटेड एविडेंस हैं, अब हिस्ट्री की, अब जैसे कि आजकल भी आप लोग अपने बचपन से देख रहे होंगे, जितने साल के आप लोग हो गए हैं 10-11 साल के, तो कुछ चीज़ें अभी तक हैं, कुछ चीज़ें अब तक मिट चुकी हैं। तो बहुत ही लिमिटेड एविडेंस है हिस्ट्री जानने के लिए, उतने ज़्यादा हमारे पास एविडेंस नहीं है, उतने ज़्यादा हमारे पास सबूत नहीं है, और सबूत बहुत ही कम हैं, और उसी कम सबूतों के आधार पर हम अपनी हिस्ट्री जानते हैं। और ये नीचे आपको टेबल दी गई है जिसमें बताया गया है मेजर सोर्स ऑफ नोन। एंशियंट बुक्स होती थी, पुरानी किताबें होती थी, वेदास, ब्रह्मास, उपनिषद, स्मृतिज। यहाँ पे उपनिषद होगा, विपनिषद नहीं होगा, वी नहीं होगा, यू होगा, ये मिसप्रिंटिंग है बुक में। रामायण, महाभारत, और ऐसे ही कॉइन्स होते थे, सिक्के होते थे। समुद्रगुप्त ने गुप्ता पीरियड में सिक्के चलाए थे, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। पिछले पुरानी बिल्डिंगों के खंडर होते थे, रूइंस होते थे, उससे पता लगाया जाता था कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है, इसमें कौन सी ईंट इस्तेमाल करी गई है। ट्रैवलर्स आते थे, कई लोग चाइना से, इंग्लैंड से, बाहर के इंडिया घूमने आते थे, और यहाँ घूमते थे, और यहाँ अपना घूमने का उनका जो एक्सपीरियंस होता था उसको अपने रिकॉर्ड करते थे, और वो रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं, और उसके बेसिस पे हिस्ट्री के बारे में जाना गया है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार फिर से घर पे अपने रीड करिएगा, और घर पे अपने रीड करिएगा, और कुछ समझ में ना आए तो उसे कमेंट सेक्शन में या स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।